अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसन जीरो। आप देख रहे हैं अमेजिंग कैसर टीवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग विकेट होने के बावजूद नहायत ही शानदार बॉलिंग करवाते हुए 5 खिलाड़ियों को आउट किया और इस वर्ल्ड कप में दूसरा मौका है जब इन्होंने 5 विकेटें हासिल की। और 5 विकेटें हासिल करने के बाद मोहम्मद शमी सजदा करने ज़मीन पर बैठे और ये आप फुटेज में देख सकते हैं कि घुटनों तक पहुँचे। और उसके बाद मोहम्मद शमी को याद आया और उन्होंने सजदा नहीं किया। सजदा क्यों नहीं किया, इस मौजू पर मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। हर एक क्रिकेट लवर ये समझता है कि उन्होंने सजदा क्यों नहीं किया। बस इस वीडियो का मकसद पॉजिटिव मैसेज है, ना ही नेगेटिविटी फैलाना। बस कहने का मतलब ये है कि हमें दूसरों के मज़हब का भी एहतराम करना चाहिए और हर एक को आज़ादी होनी चाहिए कि वह अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। हम सबको ये चाहिए कि इंतहाब संधि ख़त्म करके एक पॉजिटिव मैसेज भेजना चाहिए। वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से कोई भी ताज़ा तरीन अपडेट हासिल करने के लिए आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।